नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गर्माहट का और भूचाल जो आया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मंगेश एनकाउंटर के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में बाजार बिल्कुल गर्म हो चुका है। इतनी व्यापक पैमाने पर उसको लेकर के वाद पर वाद और विवाद शुरू हुए हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिलहाल इस मंगेश एनकाउंटर के मामले के बाद जिस प्रकार जाति ओरिएंटेड राजनीति ने अपना वर्चस्व जमाया है, उसने तो राहुल गांधी को भी फेल कर दिया है। ये वही राहुल गांधी हैं जो संसद भवन में कर्मचारी से लेकर मंत्री और यहाँ तक कि पत्रकारों की भी जात मुझसे घूमते हैं। राहुल गांधी का बस चले तो हर जगह जात ही जात पूछेंगे। राहुल गांधी की तरह ही अखिलेश यादव भी आज जात पर आधारित अपने पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद पीडीए को जितना आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव ने ठाना है, उनके बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए कांग्रेस पार्टी भी आगे चल पड़ी है। आपको बता दें, अजय राय भी कल मंगेश यादव के घर पर गए थे और उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पे एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये पुलिस मुठभेड़ में ये एनकाउंटर नहीं बल्कि ये मर्डर है। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर अपराधियों को लेकर के सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अब तक कुल मिलाकर के 12,165 एनकाउंटर किए गए और इस एनकाउंटर में लगभग 6,173 लोग घायल हुए, वहीं पर 207 मुठभेड़ में मारे गए। इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए लोगों में सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें सरकार ने बताया है कि सबसे अधिक 140 हिंदू मारे गए हैं और उसके बाद में 65 मुस्लिम मारे गए। लेकिन जब बात जात की आई और सरकार को लगा कि वो घिर सकती है तो उसने जातिवार भी आंकड़े जारी कर दिए। आपको बताएं कि सरकार द्वारा जो जातिवार आंकड़े मिले हैं और जो मीडिया रिपोर्ट में आए हैं उसके अनुसार अगर हिंदुओं में बात की जाए तो सबसे अधिक ब्राह्मणों को मारा गया है। 20 ब्राह्मणों को आरोपियों को मार दिया गया एनकाउंटर में। इसके बाद बारी आती है क्षत्रिय की, जो 18 मारे गए, 16 यादव मारे गए, 17 जाट मारे गए, 2 सिख मारे गए, 14 अनुसूचित जात के, 3 एसटी मारे गए और कुल मिला के 50 अन्य ओबीसी के लोग मारे गए। इस पूरी जातीय आपराधिक गणना को देने के लिए विवश कर दिया योगी सरकार को विपक्ष के लोगों ने। आपको सोचना होगा कि जो राजनीति का क्रम अब बना है उसमें अगर देखा जाए तो जिस प्रकार जात के आधार पर अपराधियों के साथ जो राजनीतिक दल खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए घातक है। आपको बता दें कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर खुलकर नहीं बोलते थे लेकिन अपनी पार्टी में रखते थे, मंगेश यादव के बाद खुलकर बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल जिस प्रकार अखिलेश यादव, अजय राय, लाल बिहारी यादव ये सब जा करके हंगामा कर रहे हैं और उसके बाद तो उमर अब्दुल्ला की भी बात करना यहाँ वाजिब हो जाता है। जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु की पैरवी करते हुए कश्मीर के चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आतंकी था, ठीक उसी प्रकार की हरकतें यहां भी राजनीतिक दल कुछ क्षुद्र स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इन पूरी परिस्थितियों को देखने के बाद याद आ जाती है राहुल गांधी की कि जब वो भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में जाकर के समर्थन कर रहे थे और वहां पर एक नारा लग रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। जी हां, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा जब लगाते थे तो देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रहे थे। आज वही परिस्थिति यहाँ भी आ गई। ये वही कांग्रेस पार्टी है और उसके नेता राहुल गांधी जो बार बार जात को लेकर के आक्रामक रहते हैं। आज उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मंगेश यादव को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं कि ये एनकाउंटर नहीं ये मर्डर है। और इसके बाद इस पूरे प्रकरण में मायावती की भी एंट्री हो जाती है। मायावती ने तो सपा और भाजपा दोनों पर जमकर प्रहार किया और दोनों को कहा कि दोनों ही कल्प्रिट हैं, दोनों दोषी हैं और दोनों को उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेरा। वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जब राहुल गांधी विदेश में जाकर भी जात पात को लेकर के बोलना उन्होंने बंद नहीं किया है, विदेश देश से बाहर रहकर भी वो हमले कर रहे हैं। फिलहाल जब राहुल गांधी जात पात की बात करते हैं तो वो नारा याद आता है कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन यही राहुल गांधी
मुस्लिमों को और ओबीसी की जात देखते हैं और जात पर ही बात करते हैं, और करते करते ये अफजल गुरु के समर्थकों के साथ भी खड़े दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जोर दबाइएगा। धन्यवाद।